नमस्कार दोस्तों, पाम मिस्ट्री के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करने से पहले भगवान बजरंग बली संकट मोचन का नाम लेते हैं, वो हम सभी का दुख दूर करें। दोस्तों आज ये मेरे सामने पाम है, जो कि ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ये किसी महिला का हाथ है। चलिए इसका एनालिसिस करने की कोशिश शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस हाथ को देखते हैं, सबसे पहला ध्यान जो है वो फिंगर पर जाता है, वो भी गुरु उंगली तर्जनी उंगली पर जाता है। अगर आप देखें दाएं हाथ में और बाएं हाथ दोनों में, तो तर्जनी उंगली बाकी उंगलियों से थोड़ी मोटी है, थोड़ी स्ट्रांग है। इसका मतलब होता है कि इनमें गुरु के कारक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। गुरु के कारक स्ट्रांग होने से आदमी ओवर रिलीजियस हो जाता है, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, खाने के प्रति लगाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। गुरु के कारक अच्छे हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि खुद ही चल के आ जाते हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। गुरु के कारक इतने स्ट्रांग हैं कि कभी भी गुरु में जो भी गुरु के लक्षण हैं वो सारे अपने आप आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जनरली दो सलाह होती है कि इनको कम भोजन करने का और धीमे बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे सूर्य उंगली गुरु उंगली से थोड़ी बड़ी दिख रही है, क्योंकि हाथ थोड़ा टिल्टेड है। मगर अगर आप बाएं हाथ में देखें तो गुरु उंगली और सूर्य उंगली जो है लगभग बराबर है। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये जो बराबर है ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी सुख समृद्धि खुद ही चल कर आता है। और इस चीज़ को दोस्तों इस जगह से भी देख लेते हैं। अगर आप इनका मणिबंध क्षेत्र बाएं हाथ में देखें तो एक ये पहली वाली जो रेखा है ये सेहत की रेखा होती है, पूरी स्ट्रांग है, इसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है। उसके बाद ये धन की रेखा देखें, धन की रेखा बिल्कुल स्ट्रांग है, और जीवन के बीच के क्षेत्र में ये थोड़ी और स्ट्रांग है। इसका मतलब 35 के बाद और 55 साल तक धन के तो अभाव इनके पास बहुत कम रहेगा, मतलब धन का अभाव नहीं होगा। दोस्तों अब इस हाथ को और आगे बढ़ाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनके हाथ में जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके टूट गई है। और ये देखिए जीवन रेखा यहाँ पे टूटी हुई है, यहाँ पे जीवन रेखा है नहीं। और अगर आप बाएं हाथ में देखें तो जीवन रेखा पूरी बनी हुई है, यहाँ तक बनी हुई है। इसका मतलब ये संकेत है कि लगभग 40 से 45 साल के बीच में जो ये क्षेत्र आता है, यहाँ पर इनके बीमार पड़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। मगर जो मंगल रेखा है, अगर आप मंगल रेखा यहाँ पे देखें तो ये एक हल्की सी मंगल रेखा है जिसने इनका, और एक नहीं दो मंगल रेखा, अगर आप ध्यान से देखें वहाँ पर दो मंगल रेखा है। ये देखिए दो हल्की सी मंगल रेखा, एक ये है और एक ये मंगल रेखा है, दो मंगल रेखा है, जिसे ये पता चलता है कि मंगल रेखा ने जीवन में किसी भी तरह के सेहत से स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जीवन के जो कष्ट होते हैं उनको दूर किया है। मगर उनका एक लिमिटेड क्षेत्र था, वो अपने यहाँ पे आके मंगल रेखा का प्रभाव कम हो गया। जीवन रेखा यहाँ पर भी अभी बहुत स्ट्रांग नहीं हुई है, तो इनको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों हाथ में। अगर आप हाथ में देखें तो हृदय रेखा थोड़ी सी गाढ़ी सी है, काफ़ी गाढ़ी सी हृदय रेखा है। और अगर आप राइट हैंड में भी देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी देखें तो हृदय रेखा थोड़ी गाढ़ी सी है। गाढ़ी हृदय रेखा जो ये बताती है कि व्यक्ति थोड़ा इमोशनल टाइप का होगा, सोचता ज़्यादा होगा, चीज़ों को पर्सनली बहुत ज़्यादा लेता होगा। साथ ही साथ अगर आप गुरु उंगली को देखें तो गुरु उंगली ने भी शेप ज़्यादा लिया हुआ है, इसका मतलब इमोशनल टच व्यक्ति में ज़्यादा होगा। ऐसे लोगों को थोड़ा संयम के साथ काम लेना चाहिए। उस चीज़ को इन्होंने प्रयास भी किया। अगर आप देखें तो अगर आप दाएं हाथ में देखें तो जीवन बुद्धि रेखा देखें तो दूसरे पहले मंगल की तरफ थोड़ी झुकी हुई है, मगर अगर आप यहाँ बाएं हाथ में बुद्धि रेखा देखें तो उसका झुकाव कम है। इसका मतलब एडवर्स सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश की होगी, मेंटल थॉट प्रोसेस ज़्यादा रहा होगा, अपने आप को समझाने की कोशिश ज़्यादा की होगी। एक चीज़ और देखिए, ऐसी रेखा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी रेखा बहुत कम हाथों में बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आप इनकी भाग्य रेखा देखें, अगर आप भाग रेखा देखने की कोशिश करें, एक मिनट दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ भाग रेखा। ये देखिए भाग रेखा, ये जो भाग रेखा है ये वेवरी टाइप की है, यानी कभी कभी सीधा नहीं है, वेव हो के चल रहे। और अगर आप यहाँ पे भाग्य रेखा देखें तो एक सर्टन एज के बाद थोड़ी सी आई हुई है, मगर वो ख़त्म हो गई। यानी कि भाग्य रेखा ये दिखाती है कि इन्होंने जो भी काम किया होगा, यानी नौकरी किया होगा, बिजनेस किया होगा, धन अर्जन से रिलेटेड जो भी काम रहा होगा उसमें बहुत वेव रहा होगा, कभी कम रहा होगा, कभी ज़्यादा रहा होगा, कभी हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा, कई बार करके छोड़ दिया होगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि जिस, चूँकि बृहस्पति इतना स्ट्रांग है तो जिस भी चीज़ को करें वो
पूरे लगन के साथ करें और काफ़ी समय उसको टाइम दें। दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें बाएं हाथ में देखें तो सूर्य उंगली और बुध उंगली के बीच से एक रेखा निकल के सूर्य उंगली की तरफ आई हुई है। ये चीज अगर आप इसको देखें और आप जीवन रेखा का थोड़ा वेवरी नेचर देखें तो ये दोनों चीज़ें मिलकर ये बताती हैं कि जॉब में या बिजनेस में इनको हमेशा तकलीफ आई रही होगी, जो भी इन्होंने करने की कोशिश की वहाँ पर तकलीफ रही होगी। दोस्तों अगर आप, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, अगर आप यहाँ पर देखें तो जो विवाह रेखा है वो हृदय रेखा से बहुत दूर से है, इसका मतलब चलता है विवाह थोड़ा देर से हुआ होगा, विवाह के चांसेस, जो विवाह का योग बना होगा वो थोड़ा देर से बना होगा। और इनके हाथ में देखिए, अगर आप थंब के शेप के देखिए तो थंब थोड़ा फ्लेक्सिबल है और साथ ही साथ गुरु उंगली मोटी है और हृदय रेखा गाढ़ी है, इसका मतलब व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, सरकमस्टांसेस को अडॉप्ट करने की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस हाथ का एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।